छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि मार्च माह से कोविड-19 के तहत लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिससे माननीय उच्चतर न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालयों का कार्य बंद करा दिया गया था, जिससे छत्तीसगढ़ के लगभग 30,000 वकील बेरोजगार हो गए हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें शासन की ओर से आर्थिक मदद का आश्वासन है। उसके साथ ही साथ सभी अभिवक्ताओं को सामूहिक रूप से दुर्घटना बीमा शासन की ओर से एक साथ प्रीमियम देकर कराया जाना चाहिए, जिससे कभी अनहोनी घटना किसी भी अभिवक्ता के साथ होती है तब जरूरत के समय परिवार को आर्थिक क्षतिपूर्ति हो सके। देखिए खास रिपोर्ट IBN 24 न्यूज पर स्टेट हेड वेद प्रकाश तिवारी। कोरोना वायरस के उसमें जो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के लिए आपने एक पत्र प्रेरित किया है, उसके बारे में कुछ अपना वक्तव्य देंगे। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष हूँ। 24 मार्च से लॉकडाउन घोषित किया गया था और उस लॉकडाउन के बाद से माननीय उच्च न्यायालय ने सारे न्यायालयों को बंद कर दिया। इस प्रदेश में 30,000 अधिवक्ता हैं और सभी अधिवक्ता जो हैं बेरोजगार हुए। न्यायालय बंद होने से किसी के पास कोई काम नहीं रह गया और बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं जो केवल उसी पे ही अपनी जीविका उनकी आधारित थी। ऐसे बेरोजगार अधिवक्ताओं के लिए आज 65-70 दिन हो गया, बहुत भारी पड़ रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और कई बार मैं भी और दूसरे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी मुख्यमंत्री जी से मांग किया है कि ऐसे अधिवक्ताओं के कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग शासन की ओर से होना चाहिए, परंतु आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राज्य अधिवक्ता परिषद है, ऐसा सुनने में आया कि उनके पास भी वकीलों को सहायता के लिए पैसे आए हुए हैं, पर आज तक किसी अधिवक्ता को पैसा मिला नहीं। जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है ऐसे अधिवक्ताओं को हमारे मुख्यमंत्री जी को विधि मंत्री जी को मदद करनी चाहिए और मेरी ये भी सलाह है कि सामूहिक दुर्घटना बीमा जो है सभी अधिवक्ताओं का किया जाना चाहिए और उसका प्रीमियम राज्य सरकार दे। इसका प्रीमियम कोई ज़्यादा होता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी कर्मचारी इसमें कार्य कर रहे हैं उनका बीमा किए हैं, तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं का भी बीमा करना चाहिए और आर्थिक सहयोग के संबंध में भी उन्हें सोचना चाहिए। जिस तरह से किसान भाइयों का सहयोग किए हैं, मजदूर भाइयों का सहयोग किए हैं, उसी तरह से वकील भाइयों का सहयोग।